उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की, विषय को बहुत गंभीरता से समझा है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री भी काफ़ी सीरियस है, हम सभी लोग इसमें वो स्वयं भी लक्ष्य दे रहे हैं और हम भी अब ध्यान देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस पेंशन धारकों, आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी अभी अभी की यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मोदी सरकार का पेंशन को लेकर हुआ कैबिनेट की बैठक से अभी अभी बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी गुड अपडेट बताई जा रही है कि मोदी कैबिनेट की बैठक में पेंशन धारकों की पेंशन के फैसला था, मुद्दा था जो पेंशन को लेकर यहाँ पर चर्चा के बाद यहाँ पर प्रस्ताव था पेंशन का, उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो सरकार ने यहाँ पर क्या बहुत बड़ा फैसला किया है, अब आपको 1,000 रुपये की जगह नई पेंशन कितनी मिलेगी उसके बारे में जानेंगे विस्तार से। तो ईपीएस के जो 78 लाख पेंशन भोगी है वो जिस बड़ी खुशखबरी का पिछले काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये पेंशन कब बढ़ेगी, तो उनके लिए यहाँ पर सरकार ने आज की कैबिनेट की बैठक से पेंशन के प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान किया है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी आपके पेंशन के इस प्रस्ताव को लेकर आखिर निर्णय क्या जारी हुआ है, अब आपको कितना नया पेंशन ईपीएस का मिलेगा और आपको साथ में वेतन लिमिट से जुड़ी भी यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर 25,000 रुपये हो सकती है आपकी वेतन लिमिट पेंशन की गणना के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखें यहाँ पर आपके लिए ताज़ा अपडेट आ चुका है। अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं तो ईपीएस के पेंशन धारक है प्राइवेट, तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है कि आपका वेतन लिमिट बढ़ा करके क्या सरकार अब 21,000 रुपये लागू करेगी या फिर 25,000 रुपये, इसको लेकर आज का यह ताज़ा जो फैसला बताया जा रहा है क्योंकि प्राइवेट कर्मचारी उनके लिए रात भरी अपडेट होने वाली, उनके लिए गुड अपडेट होने वाली। तो पेंशन के प्रस्ताव को लेकर जो वित्त मंत्री और कैबिनेट की बैठक में जो चर्चा हुई उसके बाद आखिर निर्णय क्या हुआ है, यहाँ पर आपको पेंशन अब कितनी मिलेगी। तो मोदी कैबिनेट की बैठक से पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी यहाँ पर दो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, यहाँ पर दो बहुत बड़े फैसलों पर यहाँ पर सहमति बताई जा रही है। तो कौन से दो फैसलों पर सहमति बनी है और अब आपको नई ईपीएस की पेंशन कितनी मिलेगी और साथ में आपको लाभ अन्य कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो मेडिकल लाभ है, हायर पेंशन है, उसको लेकर क्या इस कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है, क्या पेंशन धारकों की जो 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है उसे बढ़ा करके 7,500 रुपये किया जाएगा या फिर 9,000 रुपये की पेंशन लागू की जाएगी, तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की नई पेंशन ईपीएस से जुड़ी ताज़ा अपडेट मिलती रहे। तो इस वीडियो को अपने साथी पेंशनर्स उनको भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। तो यहाँ पर मोदी कैबिनेट की बैठक से दो प्रस्ताव है पेंशन के जो कहे तो यहाँ पर पेंशन धारकों ने सौंपा था उसको लेकर दो बहुत बड़े यानी कि निर्णय यहाँ पर बताया जा रहा है कि फैसला पर हुआ ऐलान। तो यहाँ पर कौन से दो फैसलों को लेकर ऐलान हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहली मांग पेंशन धारक ये कह रहे हैं कि उनकी मिनिमम पेंशन की लिमिट बढ़ाए और साथ में मेडिकल लाभ मिले और डीए मिले, तो इसी को लेकर भी चर्चा हुई और साथ में वेतन लिमिट से जुड़ी भी चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो पेंशन के प्रस्ताव था उसमें वेतन लिमिट बढ़ोतरी को लेकर भी मांग की गई थी, उसी मांग को लेकर यहाँ पर वित्त मंत्रालय के अंदर भी पेंशन धारक है उनके पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई। उसके बाद फिलहाल अभी कंफर्म फैसला क्या होगा अगर उसके बारे में बात करें तो वित्त मंत्री ने यहाँ पर क्या पेंशन धारक है उनके लिए ऐलान किया है वो भी देखेंगे आगे। तो ये दोनों जो फैसले हैं आपके वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन, इन दोनों को लेकर कैबिनेट की बैठक हो या फिर सीबीटी की बैठक हो या फिर श्रम मंत्रालय की बैठक हो, चर्चाएं जारी है। फिलहाल ईपीएफओ के द्वारा और वित्त मंत्रालय के द्वारा पेंशन के इस मुद्दे को लेकर और प्रस्ताव को लेकर इस तरह की जानकारी दी जा रही है कि केंद्र सरकार और ईपीएफओ के अंदर पेंशन के मुद्दों को लेकर जो प्रस्ताव सौंपा था उसमें जो मांगी की गई उस मांगों को लेकर निरंतर प्रयास जारी है पेंशन धारकों के लिए बेहतर पेंशन के प्लान को लेकर। तो यहाँ पर ईपीएस पेंशन के प्रस्ताव पर अगर कहें तो यहाँ पर सहमति बनती ही नजर आ रही है, 7,500 प्लस डीए के पेंशन का प्रस्ताव का यहाँ पर मांग कहे तो इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही है। तो यहाँ पर आपको वेतन लिमिट को लेकर श्रम मंत्रालय से भी संकेत मिले, इसके अनुसार ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपका वेतन लिमिट बढ़ सकता है लेकिन कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा यह सरकार ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। पेंशन धारक है वो 21,000 रुपये 25,000 रुपये को लेकर मांग कर रहे हैं कि सरकार लागू करे, लेकिन सरकार ने फिलहाल कितना वेतन लिमिट बढ़ाया जाएगा उसकी कोई कंफर्म घोषणा नहीं की है और यहाँ पर मिनिमम पेंशन भी कितनी बढ़ेगी या फिर बढ़ाई जाएगी आपकी मिनिमम पेंशन या फिर वेतन लिमिट बढ़ेगा तो इसको लेकर सरकार ने फिलहाल कन्फर्म तो नहीं किया है, लेकिन संकेत इस तरह के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हवाले से मिल रहे हैं कि यहाँ पर आपकी वेतन लिमिट बढ़ सकती है। अगर वेतन लिमिट बढ़ेगी तो आपका योगदान वैसे ही अधिक होगा तो फिर आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी अधिक मिलेगी। तो निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो कि प्राइवेट कर्मचारी उनके लिए यहाँ पर
अच्छी अपडेट जल्द जारी हो सकती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए तो सरकार ने यूपीएस लागू कर दी, लेकिन अब जो प्राइवेट कर्मचारी है उनके लिए पेंशन ईपीएस कब बढ़ाई जाएगी उसी को लेकर पेंशनधार के इंतजार में कर रहे हैं कि सरकार अगर पेंशन के प्रस्ताव को लेकर कुछ नया फैसला करती है तो ठीक है, नहीं तो पेंशनभोगी फिर से अपना आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। सरकार को यहाँ पर अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार ने जो प्रस्ताव और आश्वासन दिया है उसको लेकर सरकार जल्द से जल्द फैसला करे, ताकि वो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना आसानी से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत निजी जो प्राइवेट कर्मचारी उनके लिए यहाँ पर रात भरी खबर सामने आने वाली, जल्दी आप सभी को बता देगी। यहाँ पर हाईकोर्ट का इनकी सर्वोच्च न्यायालय के एक मानक निर्णय के आधार पर पेंशन की अधिकतम वेतन लिमिट आपकी बढ़ सकती है 15,000 रुपये से बढ़कर के नई वेतन लिमिट 25,000 रुपये भी तय की जा सकती है, जिसको लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर ये वेतन लिमिट बढ़ेगी और तो फिर आपका कितना योगदान होगा वो भी आगे देखेंगे, और फिलहाल जो पेंशन का प्रस्ताव उसको लेकर अभी चर्चाएं जारी है। अभी जो आपका पेंशन का प्रस्ताव है वो लंबित है, जिससे पेंशन एक साथ में आपको कैसे 333% तक की बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर ये आपका वेतन लिमिट बढ़ता है और वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना के अंदर जो आपकी पेंशन की गणना की जाती है 15,000 रुपये के वेतन के अनुसार, जो कि 2014 से लागू है उसके अनुसार आपकी पेंशन की गणना होती है। अगर ये वेतन लिमिट बढ़ता है और ये 15,000 रुपये की लिमिट है वो खत्म कर दी जाती है, या फिर अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन की गणना की जाए, या फिर वेतन लिमिट बढ़ा करके 21 से 25,000 रुपये किया जाए, जिससे कि ईपीएफ में नए जो सदस्य भी जुड़ पाएंगे और पेंशन में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पेंशन फंड को लेकर बात करें तो वर्तमान में आप 15,000 रुपये से अधिक है तो ही आप पेंशन केवल 15,000 रुपये आपकी जो उस अनुसार मानी जाती है नियम के अनुसार ही पोगे। तो यहाँ पर अभी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांग की जा रही है कि सरकार पेंशन को लेकर फैसला करे। कर्मचारी पेंशन योजना और पेंशन की गणना के नए नियमों को लेकर बात करें, सुप्रीम कोर्ट का यह भी फैसला कर्मचारी पेंशन योजना में हो सकता है कि आम बदलाव, यदि सर्वोच्च न्यायालय पेंशन की गणना वर्तमान में आपका जो वेतन लिमिट है 15,000 रुपये उसे हटा दे और नया लिमिट लागू करे, या फिर अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन की गणना की जाती है तो फिर बुजुर्ग लोग उनको एक बेहतर पेंशन जीवन जीने लायक मिलेगी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 36 लाख ऐसे भी पेंशन भोगी हैं 2014 के संशोधन के अनुसार जो उनको अभी तक 1,000 रुपये की भी पूरी पेंशन नहीं मिली है। तो वो ये भी मांग करे कि सरकार इसको लेकर भी उन्हें अपना हक वो दिया जाए और उनको एक बेहतर पेंशन मिले। तो पेंशन की गणना कर्मचारी के वास्तविक अंतिम वेतन के आधार पर भी की जाएगी, तो फिर आपको कैसे यहाँ पर उदाहरण के जरिए अगर मान लिया किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 30,000 रुपये है तो फिर वो 25 साल तक सेवा कर चुका है तो उनकी पेंशन भी इस प्रकार से गणना की जाएगी, अंतिम वेतन के अनुसार गणना होगी। लेकिन अंतिम वेतन को लेकर सरकार ने अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं की है और न ही पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक अभी तक घोषणा हुई है कि आपको फिक्स इतनी पेंशन मिलेगी, ये सारे आपको लाभ मिलेंगे। लेकिन अभी इस पेंशन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर निरंतर प्रयास जारी है, चर्चाएं ऐसी जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली उसमें यही अपडेट मिला है कि वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन उन दोनों मांगे पेंशनर्स की उसको लेकर सरकार चर्चा कर रही है। यहाँ पर ईपीएफओ ने भी इस तरह की जानकारी दी है कि वेतन लिमिट को लेकर ईपीएफओ के अंदर भी निरंतर प्रयास जारी है और कैबिनेट की बैठक से भी इस तरह की जानकारी मिली है कि यहाँ पर पेंशन के प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर सरकार की कोशिश हर संभव यानी कि जारी है कि सरकार बेहतर पेंशन धारकों को प्लान दे ताकि उनको एक रिटायरमेंट के बाद बेहतर पेंशन मिले। तो फिलहाल इस तरह की आपके लिए ताज़ा अपडेट होने वाली है आपकी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी। यहाँ पर वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आप सभी को जल्द गुड अपडेट देखने को मिलेगी। इस बैठक को लेकर अगर बात करें तो फिलहाल कंफर्म तो फैसला नहीं है, लेकिन संकेत इस तरह के मिल रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी को जल्द अच्छी खबर देखने को मिलेगी। तो इस तरह की और नई ताज़ा पेंशन से जुड़ी अपडेट ईपीएफओ से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली नई ताज़ा अपडेट भी मिलती रहे। एक और ऐसी नई ताज़ा जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।